हेलो एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा एक का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका क्या कंपोजिशन होता है। तो फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इधर मैंने लिखा है कि एक जो है, जो मेन होते हैं, सेल होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, फिर एल्बुमिन की लेयर होती है, फिर योक होता है। ठीक है, अगर सेल का आप परसेंटेज जानना चाहते हैं कि कितना परसेंट पूरे वेट का होता है, तो 11% सेल बनाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है 0.6% बनाता है, ठीक है, और एल्बुमिन जो है 58% बनाता है, और योक जो है 31% पार्ट योक बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो लेयर जो है, मैंने एक बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन सा लेयर है। ठीक है, ये जो ऊपर लेयर देख रहे हैं, ये है सेल। ठीक है, कितना परसेंट होता है, 11%। ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये एल्बुमिन है। यहाँ लिखता हूँ, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और ये योक। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ। जो सेल होता है, पूरे वेट का जो है 11% बनाता है सेल। और सेल में जो है तीन लेयर होता है। ठीक है, ऊपर क्या होता है, क्यूटेनियस लेयर। ठीक है, फिर जस्ट उसके नीचे कौन सा होता है, कैल्केरियस लेयर। फिर उसमें अगला कौन होता है, मैमलरी लेयर। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर होते हैं। और सेल में जो है बहुत सारे पोर्स होते हैं, लगभग जो है 1700 से 1800 पोर होते हैं एक में। तो उसमें जो है क्यूटेनियस लेयर होता है, इसको जो है आप क्यूटकिल बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्यूटकिल से बना होता है। और कैल्केरियस जो लेयर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है। ओके, ये हो गया सेल। सेल में कितने लेयर होते हैं, तीन लेयर होते हैं। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है, ये भी दो होता है, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। ठीक है, आउटर इनर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है साथ में जो है मिले रहते हैं, सिर्फ जो है जहाँ पर एयर सेल रहता है। ठीक है, जहाँ पर एयर सेल रहता है वहाँ पे दोनों ये सेपरेट रहते हैं। ठीक है, और इसका सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये कोई भी बैक्टीरियल पेनिट्रेशन को रोकता है। ठीक है, अब आते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन जो वाइट पोर्शन होता है एक का, वो एल्बुमिन बनाता है। एल्बुमिन में जो है आउटर थिक लेयर रहता है। ठीक है, आउटर थिन लेयर, मिडिल थिक लेयर, मतलब मिडिल जो है वो थिक लेयर होती है, और जो है फिर इनर थिन लेयर। ठीक है, और ये इनर थिन लेयर जो है, ये चैलेजी फेरस से अटैच रहती है। ठीक है, ओके फ्रेंड, अब आ जाते हैं योक पे। योक में क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है, योग में ये जो दिख रहे हैं, थिक लेयर योग होता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है, विटलाइन मेम्ब्रेन। विटलाइन मेम्ब्रेन, थिक लेयर योग, फिर थिन लेयर होती है। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट रहते हैं, पहले थिक, फिर थिन, फिर थिक, फिर थिन, ये रहते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको लैटिब्रा बोलते हैं।
ठीक है। और इसके बाद जो है जर्मिनल डिस्क, ठीक है। अब फ्रेंड इसमें से एक एक स्ट्रक्चर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे आउटर और इनर सेल मेम्ब्रेन दोनों रहती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये आके अलग हो जाती हैं। एक जो है ठीक है, ये जो है इनर सेल मेम्ब्रेन, ये है आउटर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एयर सेल। एयर सेल का काम क्या होता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बनते हैं वो जो है ब्रॉड एंड। हाँ एक चीज़ और, ये जो है एक का ब्रॉड एंड होता है और ये एक का नैरो एंड। ये कौन सा, नैरो एंड, ये ब्रॉड एंड, तो ये जो है एयर सेल रहता है। यहाँ से कोई भी अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज जो बनते हैं वो एयर सेल में आके कलेक्ट होती है। जितना पुराना एग रहता है उतना ज़्यादा एयर सेल रहता है यहाँ, ठीक है। ये हो गया, अब आते हैं सेल के बारे में। ये सेल हो गया, सेल के तीन लेयर हो गए, वो इसमें आपस में ही हो रहते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्यूटिकल लेयर होता है, कैलकेरियस लेयर होता है, मैमिलरी लेयर होता है। अब आ जाओ एल्बुमिन। एल्बुमिन का जो ये आउटर हो, आउटर जो है ये थिन लेयर, कौन सा है, थिन लेयर, ये थिक लेयर, और फिर से ये थिन लेयर, ठीक है। ये थिन लेयर, थिक लेयर, और ये जो है अब ये जो दिख रहा है ये है विटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कौन सा है, विटलाइन मेम्ब्रेन। अब इसके बाद जो है थिक लेयर कौन सा है, ये जो है रेड जो बन रहा है वो थिक लेयर। थिन लेयर कौन सा है, जो बीच में थिन लेयर, लैटिब्रा। ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, इसको बोलते हैं लैटिब्रा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है जर्मिनल डिस्क बोलते हैं, तो ये है जर्मिनल डिस्क, ठीक है। योग, अब जर्मिनल डिस्क में जो है दो कंडीशन होता है, एक होता है फर्टाइल, तो इसमें क्या होता है ब्लास्टोडर्म बनता है। अगर नॉन फर्टाइल एग है तो इसमें जो है ब्लास्टो डिस्क रहता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने की बात है, इतना हो गया। अब इसमें जो ये झाड़ लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, चला जा। एक्चुअल में इसका काम क्या रहता है, योग को जो है सेंटर में होल्ड करने का काम करता है, और ये इसको मान सकते हैं आप जो है एल्बुमिन के अंदर है, ठीक है। ये हो गया, तो फ्रेंड ये स्ट्रक्चर हो गया। आपको मेनली जो है तीन चीज़ें याद रख, मतलब कि एक दो चीज़ें याद रखनी है इसका जो है। सबसे पहले जो है कंपोजिशन क्या क्या रहता है, सेल रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, एल्बुमिन रहता है, योग रहता है, ठीक है। इसका जो है आप परसेंटेज याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है डिफरेंट जो है जो मैंने बता दिया, योग में क्या क्या होता है, सेल में क्या होता है, एल्बुमिन क्या होता है, ये हो गया। अब मैं बताता हूँ इसका कंपोजिशन क्या है। फ्रेंड अब बताता हूँ एक का कंपोजिशन क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे होल एग, होल एग में जो वाटर परसेंटेज रहता है वो रहता है 65%, ठीक है। और अगर एल्बुमिन का देखेंगे तो इसमें जो है 88% वाटर रहता है। अगर योग का देखेंगे तो अप्रॉक्स जो है 48% वाटर रहता है, ठीक है, वाटर। अब आ जाइए प्रोटीन की बात। जहाँ तक होल एग में प्रोटीन की बात होती है वहाँ पे 11.8% प्रोटीन रहता है, ठीक है, पूरे अगर एक अंडा में। और फैट कितना रहता है, 11%, ठीक है। अब आ जाइए एल्बुमिन। एल्बुमिन में जो है वाटर तो मैंने बता दिया 88%, एल्बुमिन में जो प्रोटीन रहता है वो रहता है 11%, ठीक है। और फैट कितना रहता है, 0.2%। योक में जो है वाटर 48% कम रहता है लेकिन प्रोटीन कितना रहता है, 17.5%। और फैट कितना रहता है, 32.5%। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा रहता है योक में, हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोटीन में एल्बुमिन रहता है, लेकिन योक में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है। लेकिन फ्रेंड अवॉइड क्यों किया जाता है, क्योंकि योक में जो है प्रोटीन ज़्यादा होने के साथ साथ ये फैट भी ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है इसको अवॉइड करते हैं हमेशा जो है एल्बुमिन। इसलिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो योक में होता है 17.5%, ठीक है, ये याद रखना है आपको।
इसके अलावा फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एग रहता है उसमें एक एग में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन रहता है, जिसमें सारे जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं सभी इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है एग में लगभग 5 to 6 ग्राम फैट भी रहता है, और उसमें जो ओली की जो जित मतलब जो इसेंशियल फैटी एसिड ज़रूरत रहती है बॉडी में ज़रूरत जिसकी रहती है वो सभी उससे मिल जाते हैं। जितने भी फैट सेलबल विटामिन रहते हैं, विटामिन ए डी ई के, ये सभी मिल जाते हैं। और जो है जो वाटर सेलबल विटामिन बी जो है इसमें जो है बहुत पाया जाता है, लेकिन फ्रेंड इसमें जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय।